हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रॉपर एजुकेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, अब हम इस वीडियो में आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयंस कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, यानी कि कोई भी कंपाउंड हो या मेटल से बना हो या नॉन मेटल से, वो चार्ज जो है अपने ऊपर जो है रखता है। चार्ज यानी कि जैसे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज अपने ऊपर रखता ही रखता है। द चार्ज स्पीसी आर नोन एज आयंस, और जिन स्पीसीज पे चार्ज होता है, स्पीसीज यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए रखा गया है, और जिन एलिमेंट्स पे चार्ज होता है उनको हम लोग कहते हैं आयंस, यानी कि जिन स्पीसीज पे चार्ज होता है उनको हम लोग कहते हैं आयंस। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, और प्रोटॉन पे होता है प्लस का चार्ज, और न्यूट्रॉन पे होता है जीरो का चार्ज, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं आयंस कितने टाइप के होते हैं। तो आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर टू एनायन। कैटायन क्या होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं कैटायन। और एनायन क्या होते हैं? जिन पर निगेटिव चार्ज होता है, और इसी का अपोजिट होता है जिस पर कैथोड होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, और जिस पर एनोड होता है वो प्लस चार्ज होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा ये भी। अब हम लोग आगे देखते हैं। एन आयन इज चार्ज पार्टिकल, यानी आयंस पे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आयंस में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, यानी कि आयंस पर जो यानी या तो सिंगल चार्ज हो या फिर ग्रुप एटम्स के ग्रुप में हो, लेकिन उस पर जो है एक नेट चार्ज हमेशा होता है। ए ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन, यानी कि जिन ग्रुप एटम्स के ग्रुप पे चार्ज होता है उनको हम लोग कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम इतना ही अब डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।